हेलो एवरीवन, आज हम हुंस रूल की बात करेंगे कि हुंस रूल जो है वो क्या कहलाता है, आखिर हमें इस रूल की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी। तो जो हमारा अबव प्रिंसिपल है वो हमको केवल ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा। वो हमको ये नहीं बताता कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन हमको केवल और केवल हुंस रूल से मिलती है। तो हमारे हुंस रूल का स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा। तो हुंस रूल का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन फिल इन अ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वन बाय वन विद सेम स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग दैट। तो हुंस रूल कहता है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो एक एक करके की जाएगी विद सेम स्पिन। उनका स्पिन कैसा होगा, सेम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ही पेयरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये हमारे हुंस का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहलाता है। अब बात ये आती है कि ये हमारा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो क्या कहलाता है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी सबसेल में कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारा जो एस सबसेल होता है उसमें एक ही डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है। पी सबसेल में तीन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका मतलब है इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। डी सबसेल में हमारे फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इन पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। एफ सबसेल में सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सेवन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। अब इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो एस सबसेल है उसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एस सबसेल में टू इलेक्ट्रॉन है तो उनकी फिलिंग तो सिंपल हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। अब चूंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो इसकी एनर्जी तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब पी में देखते हैं, पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो हुंस रूल क्या कहता है, क्योंकि इनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वन बाय वन करके फिल किए जाएंगे विद सेम स्पिन, उनका स्पिन सेम होगा। ये देखो ना, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वन बाय वन करके फिल करना है और सेम स्पिन में फिल करना है। ये तीन चीजें यहां पे याद रखनी है। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, हमने स्पिन कैसे किए, सेम किए, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और ये सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में टेन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमें ये 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो कैसे किया जाएगा, 1 बाय 1 करके सेम स्पिन के साथ। तो क्या हम स्पिन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट किया है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल होंगे, क्योंकि उनका स्पिन हमें कैसा रखना है, सेम रखना है, यही तो हमारा हुंस रूल है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 10 है, मतलब ज्यादा है, तो ही पेयरिंग होगी, तो अब पेयर कर देते हैं। तो अब स्पिन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे हो गई। इसी प्रकार F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, 1 बाय 1 एक एक करके फिल करो, सेम स्पिन के साथ फिल करना है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी पेयरिंग होगी। तो देखो भाई, 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हमने कहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो आपका स्पिन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है, आप
उसको कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम होम शेड्यूल को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम का। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जाएगी, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होम्स रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, s किसी का भी हो एक ही ऑर्बिटल होगा, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबसेल किसी का भी हो उसमें ऑर्बिटल 3 ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब होम्स रूल तो अप्लाई होता है डिजेनरेट ऑर्बिटल के लिए, तो ये 3 ऑर्बिटल जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल है। तो यहां पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इलेक्ट्रॉन होम्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे जाएंगे, 1 by 1 करके जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इलेक्ट्रॉन 1 by 1 करके तो जाना है, उनके स्पिन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आप इन 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे भी कर सकते हो, ये पी के हमने 3 ऑर्बिटल बना दिए और इनकी फिलिंग जो है वो एक एक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ये भी होम्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी होम्स रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे की वन टू और ये 3, तो ये होम्स रूल का वायोलेशन हो गया, ये होम्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे की ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1 by 1 तो है लेकिन उनके स्पिन सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होम्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या तो आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ये ही पॉसिबल है। ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, ये रॉन्ग है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एलिमेंट है आयरन, एटॉमिक नंबर होता है 26, मतलब इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में भी 2 जाएंगे, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 3p के बाद 4s आता है 2 और 3d में 6। ये हमारा अबव प्रिंसिपल है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो होम्स रूल लगेगा, तो s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ये भी s है तो यहां भी एक ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है, इक्वल होती है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डिजेनरेट होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल होती है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अब एस में चूंकि एक ही ऑर्बिटल है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे होगा, अपोजिट स्पिन में होगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में जाएंगे, यहां पे होम्स रूल लगेगा, इलेक्ट्रॉन 1 by 1 करके फिल किए जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, फिर स्पिन अपोजिट होगा 4 5 6। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करनी है जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल किए जाएंगे, इसके बाद बचे हैं तभी पेयरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी।
फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर किए जाएंगे, छह इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएंगे 1 और 2। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे। सभी का स्पिन कैसा है? सेम था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था तो हमने पीरियड करा दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हुंस रूल का वायलेशन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल नहीं हो सकते, कि एक आपने अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन किया, दूसरा डाउनवर्ड में, फिर सारे के सारे आपने अपवर्ड कर दिए और फिर पेयरिंग करा दी, ये भी नहीं हो सकता। सभी स्पिन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फिर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करो और पेयरिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करो। ये सही है, ये हुंस रूल के अकॉर्डिंग है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1, 2, 3, 4, 5 दो अपवर्ड हैं, 3 डाउनवर्ड हैं और फिर अपवर्ड, ये नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो एक एक करके भरा, सेम स्पिन के साथ भरा, और जब पेयरिंग की तो भी स्पिन सेम रखा, तो ये भी हुंस रूल का वायलेशन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना है तो स्पिन को हमें अपोजिट रखना है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्यों होता है। तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, इस बार हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p4। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है, इस s में भी एक ऑर्बिटल होगा और इस p में जो है वो 3 ऑर्बिटल होंगे। हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जाएंगे अपोजिट स्पिन में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा 1 by 1 और इसके बाद जो है वो पेयरिंग होगी। तो इसका रीजन केवल और केवल स्टेबिलिटी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में ऑक्सीजन एटम जो है वो हाईली स्टेबल होता है, इसलिए उसने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑक्यूपाई किया। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 by 1 करके फिल करते हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स कैसा होगा? मिनिमम होगा। और जब रिपल्सन फोर्स मिनिमम होगा तो एटम हमारा कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में चला जाए, s में आप एक बॉक्स बनाओ और इस इलेक्ट्रॉन को जो है आप ऐसे फिल कर दो, तो रिपल्सन और मिनिमम हो जाएगा, तो हमारा एटम जो है और ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता है 3s की एनर्जी जो है वो 2p से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला गया, लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला गया, इस कारण स्टेबिलिटी क्या हो गई? घट गई। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहां तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही जाएगा अपोजिट स्पिन में। अब ये क्यों नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन में फिल किया जाए, क्योंकि सेम स्पिन में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, और सेम होगी तो रिपल्सन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, और रिपल्सन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब है कि हमारा एटम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इनके स्पिन जो है वो अपोजिट रहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों नहीं फिल कर सकते कि हमने ये तीन बॉक्स बनाए और मान लीजिए हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो हम ऐसे फिल कर दें, ये वन, इसका स्पिन चेंज कर दें और इसका स्पिन पहले जैसा कर दें। सेम स्पिन में ही क्यों फिल करना होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में फिल करते हो तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, जिस कारण एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिस कारण हमारा एटम जो है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, इस कारण ऐसा कॉन्फिगरेशन भी नहीं हो सकता, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉन का ये अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, तो देखो जरा, अगर हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आपने मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो निश्चित बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ये हमने माना है। अगर आप ये मान लेते कि अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या बताती है, ये एटम में इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।